नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सिंगल कलर का ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, जिसे आप कार्डिगन में, जैकेट में, कोटी में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 15 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 7 फंदा एक्स्ट्रा। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। मैंने सिलाई में 22 फंदे डाले हैं, 10 फंदे का ये केबल है और 5 फंदा एक और 5 फंदा दूसरी ओर और एक एक फंदा किनारे। पहला फंदा सीधा, फिर 5 फंदा उल्टा, 2, 3, 4, 5, फिर 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा। इसके लिए क्या करेंगे, पहले वाले फंदे में फिर दूसरे वाले फंदे में सिलाई डालेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए सीधा बना देंगे। फिर 3 फंदा सीधा, 1, 2, 3, फिर उन अपनी ओर करेंगे और 5 फंदा सीधा बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी फंदा सीधा। पीछे से सभी फंदे उल्टे बुन लिए जाएंगे। थर्ड रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उतार लेंगे या सीधा बुन लेंगे और फिर 5 फंदा उल्टा, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बना लेंगे, फिर 2 फंदा सीधा, फिर उन आगे करेंगे और 6 फंदों को सीधा बुन लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, फिर 5 फंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी फंदा सीधा। पीछे से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। फिफ्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा उतार लेंगे या सीधा बुन लेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा, पहले फंदे में सिलाई डालेंगे फिर दूसरे फंदे में, दोनों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर 1 फंदा सीधा। अब उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे और एक और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, उसके बाद 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3। यहाँ पे 2 जाली बना है, यहाँ पे हमने 2 फंदों का एक किया था, यानी एक फंदा यहाँ बढ़ा था तो एक फंदा यहाँ घट भी गया। यहाँ पे दूसरी जाली बनी है, यानी कि इधर वाले फंदे को भी हमें घटाना होगा, इसलिए 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बनाएंगे तो हमारा एक फंदा यहाँ भी घट जाएगा। अब 5 फंदे उल्टे, आखिरी फंदा सीधा, पीछे से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। सेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे या उतार लेंगे, फिर 5 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा, 2 फंदों को एक साथ लेते हुए एक सीधा फंदा बना लेंगे और उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1, 2,
अब जाली इधर बढ़ रहा है तो ऊन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए दो तीन फंदे बुनेंगे, एक दो तीन, और फिर दो फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा बनाएंगे। हमारा इस लाइन में भी दो जाली बना है, इसलिए इधर भी फंदा घटेगा और इधर भी फंदा घटेगा। अब पांच फंदे उल्टे, आखिरी फंदा सीधा, पीछे से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। नाइन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे, फिर पांच फंदा उल्टा। अब जाली हमारा किनारे तक आ गया है, इसलिए अब यहाँ जाली नहीं बनेगा, इसलिए इसको सिंपली सीधा बुन लेंगे और इस जाली तक, दो तीन चार पाँच छः फंदों को सीधा बुन ले गया। अब जाली इधर टर्न कर रही है तो ऊन अपनी ओर करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे, जाली देते हुए दो फंदे बना लेंगे। अब इन दोनों फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा, पहले दूसरे फंदे में फिर पहले फंदे में सिलाई डालेंगे और एक साथ लेते हुए सीधा बना लेंगे, फिर पाँच फंदे उल्टे। आखिरी फंदा सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे बना लिए जाएंगे। एलेवेंथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुनेंगे या उतार लेंगे और पांच फंदा उल्टा। फिर उन सामने करेंगे। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी हमको दो फंदों को एक साथ लेके सीधा बनाना होगा, फिर चार फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार, और अब इस जाली के दोनों तरफ जाली पड़ेगा, एक जाली और ये दूसरी जाली। चूँकि दो जाली पड़ी है इसलिए हमने यहाँ पे दो फंदों को एक किया है। अब दो फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा, तो हमारे 10 के 10 ही फंदे रह गए, 10। अब पांच फंदे उल्टे, आखिरी फंदा सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे। थर्टींथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे या उतार लेंगे और पांच फंदा उल्टा। फिर दो फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा, फिर तीन फंदे सीधे, और अब इस जाली के पहले जाली बनेगा और फिर इधर जाली के बाद जाली बनेगा, यानी तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक ये एक हुआ, ये दो और ये तीन, और अब जाली देते हुए इन दोनों फंदों को एक साथ बुन लेंगे, फिर पांच फंदे उल्टे, आखिरी फंदा सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे। फिफ्टींथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा, फिर दो पांच फंदे उल्टे, फिर दो फंदों को एक साथ लेते हुए सीधा, फिर दो फंदे सीधे, फिर जाली देते हुए छह फंदे बना लिए जाएंगे।
यहाँ पे हमारा एंड तक जाली आ गया, इसलिए सिंपली बुन लेंगे। और पांच फंदा उल्टा, आखिरी फंदा सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे। सेवेंटींथ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे या उतार लेंगे और पांच फंदे उल्टे। फ्रेंड्स, जब हमारे पास यहाँ पे तीन जाली है ये और तीन फंदे आते हैं, तब इस जाली के दोनों बगल जाली पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तीन फंदे हैं, तो दो फंदों को एक साथ लेते हुए हम सीधा बना लेंगे, एक फंदा और सीधा, और अब इस दो जाली के दोनों तरफ जाली बनाएंगे। तो जाली बना और एक और जाली बन जाएगा। और जब एक दो जाली बना है, यानी इस किनारे भी हमको दो फंदे एक साथ सीधे बुनने होंगे। फिर पांच फंदे उल्टे और लास्ट फंदा सीधा और पीछे से सभी फंदे उल्टे। नाइनटीन्थ रो और फ्रंट साइड, पहला फंदा सीधा बुन लेंगे या उतार लेंगे, फिर पांच फंदा उल्टा। अब यहाँ हमको दो फंदों का एक करना है और यहाँ पे जाली ख़त्म हो जाएगा। देखिए इसके बगल में अब जाली डाल देंगे तो ये सबसे किनारे जाली पड़ गया, यानी अगले लाइन में यहाँ पे दो फंदे नहीं हमको करने हैं। और यहाँ पे अब हमें जाली बनाना होगा। और फिर लास्ट में दो फंदों को जाली बना है इधर, तो हमको इधर वाले फंदे घटाने होंगे। और पांच फंदा उल्टा, और आखिरी फंदा सीधा, पीछे से सभी फंदे उल्टे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए इसमें जब जब हमारे पास यहाँ पे तीन फंदे आए थे तो दूसरी ओर जाली बनना शुरू हो गया था, और टोटल एक दो तीन चार पाँच छः जालियाँ पड़ रही हैं ऐसे। फिर इधर छः जालियाँ, जब हमारे छः जालियाँ पड़ रही हैं, जब हम चौथे जाली पे आ रहे हैं, देखिए ये पहला दूसरा तीसरा चौथे जाली पे आ रहे हैं, चौथा, तो यहाँ पे दोनों ओर पाँच, ये पाँचवा जाली है, दोनों ओर जाली पड़ रहा है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। पांचवे जाली पे के साथ ये बगल में भी जाली पड़ रहा है, यानी इधर भी दो घटेगा और इधर भी दो घटेगा। फिर इधर जब हमारा ये एक दो तीन चार यहाँ पे चौथा जाली कंप्लीट हुआ, तो इसके दोनों ओर जाली पड़ गया है। डिज़ाइन बहुत ही आसान है और बनाने पर बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। तो फ्रेंड्स, डिज़ाइन आपके सामने है, इसे आप अपने स्वेटर में बनाइए, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।